हेलो एंड वेलकम, तुसी देख रहे हो द स्टडी वीजा शो। मैं हाँ तुहाडे नाल सिमी ते मेरे नाल ने लैंडमार्क इमीग्रेशन के डायरेक्टर और एजुकेशन एक्सपर्ट जसमीत पाटिया जी। जसमीत जी, वेलकम टू द शो। सत श्री अकाल। तो अज असी गल करांगे IRCC दी लेटेस्ट अपडेट्स बारे, जिदा कि तुहाडे तों असी हमेशा अपडेट्स लैंदे रहने आ। प्रोसैसिंग टाइम के बारे कोई लेटेस्ट अपडेट आई है तो जरूर साडे व्यूअर्स दे नाल शेयर। सोई देखो, जिवें तुहानूं पता लगदा कि कोविड दे केसिस बहुत ज़्यादा वध रहे हैं इंडिया विच, और उन्हां केसिस नूं लै के बहुत ज़्यादा जिन्हों कहते हैं कि डर भी बनया हुआ स्टूडेंट्स के मन में कि फ्यूचर की होएगा कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा का या कैनेडा के होर वीज़ा ऑप्शन लैके। सो उस बारे अपडेट यह है IRCC का कि देर इज़ सम डिले इन पासपोर्ट स्टैंपिंग एंड देर कैन बी सम डिले इन वैब लिंक ऑल्सो फॉर पासपोर्ट सबमिशन। सो स्टूडेंट्स काइंडली बेयर करन, सो द प्रोसैसिंग टाइम कैन इनक्रीज फॉर पासपोर्ट स्टैंपिंग एंड एवरीथिंग, एंड देर कैन बी डिले इन प्रोसैसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन ऑल्सो ड्यू टू दीज चेंजेस एंड कोविड राइज, जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा वड्डे तरीके हो रहा है। बट मेरा मानना यह है कि जिवें कोविड नूं लैके फर्स्ट वेव सैकेंड वेव थर्ड वेव आई और केसिस उपर नीचे जरूर हो रहे हैं पूरी दुनिया में, सानूं लगता है कि वी हैव टू लिव विद कोविड, एंड वी जिन्नी जल्दी आपां इस चीज़ नूं अपने मन च बिठा लेंगे कि कोविड कितें नहीं जाण वाला, सानूं इहदे नाल ही जीना पैना, सानूं प्रिपेयर होना पैना कि इहदे रूल्स एंड रेगुलेशन दे नाल मास्क पाउणा चाहिए, अपना डिस्टेंस मेनटेन करना चाहिए, सैनिटाइजर हर टाइम अपने कोल रखना चाहिए। सो मैं तो यह सोचता कि इहदे नाल ही हुण चलना पैना, फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ शायद सिक्स्थ वेव भी आ जाए कोविड की, बट वी कैनॉट स्टॉप एनीथिंग, मतलब कि सारे काम काज रोक के आप सर्वाइव नहीं कर सकते, सानू काम काज चला के ही सर्वाइवल हो पाना। सो स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहवागा, चाहे प्रोसैसिंग टाइम वधन या घटन, यही सिनैरियो हैगा अज की डेट से स्टूडेंट वीज़ा लैके। और जे तुसी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करो, जल्द तो जल्द अपनी फाइल अंबैसी विच असी लॉज करिए एंड दैन यू कैन वेट फॉर रिजल्ट। सो कोई टाइमलाइन सैट नहीं किया गया कि जिहड़ियां पुरानियां फाइलां लगियां उन्हां नूं पहला रिजल्ट आएगा, जिहड़ियां नवीं लगियां उन्हां नूं बाद च रिजल्ट आएगा, इदां दी कोई टाइमलाइन सैट नहीं की गई है कैनेडा सरकार वालों। एंड जिहड़ा सानूं अपडेट है कि जिहड़ी प्रोसैसिंग हो रही है दैट इज़ हैपनिंग बाय आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फाइल्स पेंडिंग और इट इज़ इम्पॉसिबल टू गिव रिजल्ट्स थ्रू मैन पावर ऑन दोज फाइल्स, एंड इट इज़ हैपनिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स, एंड द फाइनल डिसीजन इज गिवन बाय वीजा ऑफिसर, बट एवरीथिंग इज सॉर्टेड बाय एन AI सॉफ्टवेयर। सो दैट इज़ द अपडेशन वॉट वी हैव, वी डोंट नो द राइट वे भी कि सच्चाई है किन्ना झूठ है ये बारे भी कुछ पता नहीं, बट जो कंप्यूटर सैग्रीगेट कर रहे हैं फाइल्स एंड रिजल्ट उदा आ रहे हैं तो रिजल्ट होर तेजी आने चाहिए ने। जी बिल्कुल। और इस सनैरियो का अगर स्टूडेंट की एप्लीकेशन से इफेक्ट की गल करिए कि प्रभाव पेगा? असी डेफिनेटली जे कैनेडा या आस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की सरकार देखिए कोविड को लैके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, नॉट एज इंडिया। इंडिया में सब कुछ चल रहा है एंड इंडिया इज ऑलवेज ओपन, बट जिन्हों कही है कि आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कैनेडा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कोविड की सिचुएशन लैके, एंड जिमें शार्प राइज है इंडिया के केसिस में एंड द प्रोसैसिंग टाइम इमीजिएटली सरकार वालों कह दिए गए कि दे विल डेफिनेटली इनक्रीज इफ द केसिज कीप ऑन राइजिंग लाइक दिस। बट दूजे पास देखा जाए तो सारे ही स्ट्रीम्स के बायोमैट्रिक खोले जा चुके हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा छड़ के बाकी सारे स्ट्रीम्स के बायोमैट्रिक खोले जा चुके हैं कैनेडा सरकार वालों, तो मैं लगता नहीं है कि इतने कोई पुशबैक होएगा। यस, थोड़ा जहा प्रोसैसिंग टाइम से सानू वेट करना पै सकता है, खास करके उन्होंने बच्चों की अपडेशन आई है कि जिन्हें PPR आ चुकी हैं उन्होंने वीज़ा स्टैंपिंग थोड़ा डिले हो सकता है। जी बिल्कुल। और सितंबर इंटेक च जिहड़े स्टूडेंट हुण अप्लाई करना चाहुंदे आ उहनां नूं मैं चाहुंदी आ थोड़ा गाइड कर दो। सी सितंबर इंटेक इज रियली की कहिंदे क्लोजिंग ऑन, सो अज दी डेट असीं गल करिए तां सितंबर इंटेक दीआं बहुत सारीआं सीटां लिमिटेड हैगीआं, और जिहड़े सरकारी कॉलेज और चंगे कॉलेज हैगे उहनां च ऑलमोस्ट सितंबर दीआं सीटां खत्म हो चुकीआं। सो राइट नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर सितंबर, सो आई फील दिस इज द राइट टाइम, गो हैड अप्लाई फॉर योर ऑफर लेटर, बिकॉज आफ्टर 1 month देयर विल बी नो सीट्स अवेलेबल फॉर सितंबर इनटेक। सो स्टूडेंट्स मेरी यही एडवाइस रहेगी कि जल्द तो जल्द जो तुम IELTS कर लिया तो जल्द तो जल्द तुम सितंबर इनटेक लिए ऑफर लिए अप्लाई करो, पे योर ट्यूशन फीस एंड यू कैन लॉज योर फाइल इन मे जून जुलाई, एंड लास्ट डेट टू लॉज योर फाइल विल बी 31 July टू 5th August। सो तुम 31 July तक अपनी फाइल लॉज कर सकते हो। देर आर सर्टन कॉलेज जो ऑफर लैटर 1 या 2 दिन च भी दे देंगे सरकारी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट, बिकॉज आई डिसकरेज स्टूडेंट्स टू अपलाई इन अ प्राइवेट कॉलेज। सो आई विल
ऑलवेज एडवाइज यू कि सरकारी कॉलेज भी इदा के है जो दो दिन ऑफर लैटर इशू कर देंगे है सो यू कैन चूज दैम एंड देर आर ऑफ देर आर गवर्नमेंट कॉलेज जो दो महीने भी देंगे है सो दैट इज यू हैव टू चूज कि तुम दो महीने वाला सरकारी कॉलेज अपलाई किया या दो दिन वाला किया दैट विल बी योर चॉइस एंड अज द डेट वीजा शुड बी द प्रायोरिटी नॉट योर चॉइस तुम अपनी प्रोफाइल के हिसाब न कॉलेज चूज करना है अपनी प्रोफाइल के हिसाब न कोर्स चूज करना है अपनी प्रोफाइल के हिसाब न सिटी चूज करना है ताकि वीजा सक्सैस रेट वधिया रह सके एग्जैक्टली इन्नी सारी इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन तुसी दित्ती जसमीत जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया